तो आज होलिका दहन है, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर होलिका दहन किया जाएगा। देश भर में होलिका दहन की तैयारियां हो रही हैं। होलिका दहन से पहले पूजा की जाती है। आपको बताते हैं होली जलाने का दरअसल में महत्व क्या होता है, क्यों इस बार होली पर विशेष संयोग बना है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, साथ में हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे भी तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और आपका परिचय कराते हैं अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ पंडित सुरेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं और साथ में जुड़ रही हैं ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी। साथ ही साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं पटना से रजनीश सिन्हा, लखनऊ से अनिल यादव, दिल्ली से मोहित राज दुबे और चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर। अलग अलग राज्यों में किस तरीके से होलिका दहन हो रहा है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले होली मनाने के पीछे की मान्यता क्या है और क्यों होलिका दहन किया जाता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। होलिका हर लेगी आपके हर कष्ट, होली जलाने से मिलेगा पुण्य लाभ। 28 साल बाद बना है विशेष संयोग, घर में होगी सुख समृद्धि की बरसात, होलिका की परिक्रमा से पूरी होगी हर कामना। कहते हैं कि होलिका दहन के बाद उठती आग की लपटों के साथ बुराई का अंत हो जाता है और अच्छाई की विजय होती है। बहुत शुभकारी होती है होलिका दहन की ये लपटें। इस पवित्र अग्नि में दुखों का नाश हो जाता है और इच्छाओं को मिलता है पूर्ण होने का वरदान। होली से पहले आज होगा होलिका दहन। असत्य पर सत्य की जीत के इस पर्व में जितना महत्व रंगों का है उतना ही होलिका दहन का भी महत्व है और इस बार तो होलिका दहन पर विशेष संयोग बन रहा है। ऐसा संयोग जो पिछले 28 साल में पहली बार बना है। माना जाता है कि होली का दहन के लिए पूर्णिमा तिथि हो, प्रदोष काल हो और भद्रा ना लगा हो तो विशेष फलदायी होता है और इस बार ये संयोग बना है। इससे पहले 1990 में ऐसा संयोग बना था। आज होली का दहन का मुहूर्त शाम 6:18 से 8:40 तक है, लेकिन भद्रा लगा होने से होली का दहन शाम 7:39 के बाद होगा क्योंकि इस समय भद्रा खत्म हो जाएगा। इसके पीछे मान्यता है कि भद्रा काल में होली का दहन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अशुभ फल मिलता है। जानकारों के मुताबिक शाम 7:40 से 8:40 के बीच होली का दहन करना शुभ है। ये मान्यता है कि विधि विधान से पूजा करने से मुश्किलों को खत्म होते देर नहीं लगती है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से होलिका की पूजा करनी चाहिए और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते वक्त पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पूजा के लिए माला, रोली, गंद, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और साथ में एक लोटा पानी रखना जरूरी है। कच्चा सूत हाथ में लेकर होलिका पर लपेटते हुए हाथ जोड़कर परिक्रमा करें और आखिर में लोटे का पानी होली पर चढ़ा दें। इसके बाद होलिका जलाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन के बाद जली हुई राख को अगले दिन सुबह घर में लाना शुभ रहता है। तो 7:40 पर होलिका का दहन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सीधा रुख करते हैं मोहित राज दुबे का जो दिल्ली में मौजूद हैं। मोहित, किस तरीके की तैयारियां होलिका दहन को लेकर? देखिए, होलिका दहन को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और एक एक करके पूजा करने के लिए यहां पे औरतें भी आ रही हैं। आपको विजुअल हम दिखा सकते हैं इस वक्त कि औरतों का एक ताता सा यहां पे दिखाई दे रहा है और पूजा पूरा विधि विधान से यहां पे किया जा रहा है और आज माना जा रहा है कि आज की पूजा से सर्व मनोकामना यानी आपकी जो मनोकामनाएँ हैं वो पूरी हो जाएंगी और एक तरीके से जो पूजा का विधि होता है उसको यहाँ पर निभाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक विशेष संयोग बना है और उसके अंतराल में ये पूजा यहाँ पे किया जा रहा है और थोड़ी देर के बाद होलिका दहन भी यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल, तो इंतजार होलिका दहन का है। लेकिन पंडित सुरेंद्र शर्मा, आपसे समझना चाहेंगे, बहुत कम वक्त बचा है होलिका दहन का। जो लोग अभी होलिका दहन की पूजा के लिए जा रहे हैं, किस तरीके की पूजा विधि होती है, किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, उसमें सारी स्त्रियाँ लोटे में जल लेकर के, शुद्ध जल लेकर के और सूत लेकर के जो होली की परिक्रमा करती हैं और मनोकामना करती हैं कि हे माँ, हमें उज्जवल भविष्य दे, हमारे परिवार जैसे बंधा रहे, यूनिटी बनी रहे, लक्ष्मी हो, वैभव हो, संपन्नता हो, तो होली का उसके बाद जल भी अर्पित। परिक्रमा कितनी करनी होती है? क्या तीन पाँच या सात परिक्रमा? केवल स्त्रियाँ? हाँ, स्त्री के साथ बच्चे, बाल बच्चे वगैरह चले जाते हैं उसमें। सभी स्त्रियां जाती हैं, महिलाएं जाती हैं। सूत लपेटने का जो है ऐसा परंपरा है हमारी, सदियों से है। और फिर जल देना, अर्घ देना, होली माँ से मन्नत मुराद जो भी मांगेगा,
और आज ऐसा महत्व है, आज ऐसे ऐसा योग है कि आज जो भी मन्नत मांगेगा माँ से, होली माँ से, तो मन्नत तो मुराद, क्योंकि 28 साल बाद ऐसा तो पड़ा। क्या सिर्फ सूत बांधना है, परिक्रमा लगानी है, जल चढ़ाना है, ये पर्याप्त है या कुछ और विधि है? उसके अलावा थोड़ा कोई अगर कोई शगुन के बारे रोली वगैरह तिलक वगैरह कुछ लगा देते हैं, कुछ अगर इस प्रकार से शगुन कर देते हैं तो वो भी अच्छा है अपने आप में, उसका भी बड़ा महत्व है। क्या किसी मंत्र को पढ़ने की भी जरूरत है या जो भी अपनी कामना है उसको सिर्फ ऐसे ही याद किया नहीं, जा सकता? माँ से उसमें स्त्रियों को कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। प्रेयर, भाव प्रेयर का होना चाहिए, मन में अपनी मनोकामना रख करके वो परिक्रमा कर सकती हैं और उसमें गुलाल इत्यादि भी लगा सकती लेकिन हैं। लेकिन श्रुति, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या होलिका दहन का प्रभाव हमारे ग्रह चाल पर भी पड़ता है, हमारे जो तमाम राशियां हैं उन पर भी पड़ता है? होलिका दहन का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है आपके कर्मों के हिसाब से, किस हिसाब के आपके कर्म चल रहे हैं, कर्म कैसे चल रहे हैं ये भी आपके ग्रह की स्थिति बताती है। अभी 3 तारीख को बुध जो है वो मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, चंद्र जो है ढाई ढाई दिन में गोचर करते हैं, अभी सूर्य गोचर कर रहे हैं अभी 15 दिन पहले ही कुंभ में, तो ये जो गोचर है इसकी स्थिति अलग बनती है और इससे राशियों पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। राशिवार क्या कुछ प्रभाव पड़ता है ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधा रुक करते हैं पटना का, हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा वहां पर मौजूद हैं। रजनीश, बिहार की जो होली है वो कई मायनों में काफी मशहूर है, काफी उसका इंतजार रहता है, लेकिन होलिका दहन को लेकर किस तरीके का इंतजार और किस तरीके की तैयारियां? चलिए, रजनीश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में खासकर सूबे की राजधानी लखनऊ में होलिका दहन को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? सीधा रुख करते हैं अनिल यादव का। अनिल, किस तरीके की तैयारियां? बिल्कुल, अगर हम होली की बात करें तो अवध की होली पूरी दुनिया में मशहूर है और इस वक्त हम अवध के सबसे बड़े शहर में ही मौजूद हैं, गोमती किनारे लखनऊ में। होली की क्या तैयारियां हैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। होलिका दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, गोमती के किनारे भव्य होलिका दहन के आयोजन किया गया है। अभी लोग यहाँ पर गोमती आरती में शामिल हो रहे हैं, गोमती आरती के बाद होलिका दहन होगा। अभी आप देख सकते हैं कि होलिका के ऊपर होलिका की भी एक मूर्ति रखी गई है, उसके साथ प्रहलाद की भी एक मूर्ति रखी गई है, तो पारंपरिक अंदाज में लखनऊ में होलिका दहन होगा और लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर आ रही है भव्य तरीके से होलिका दहन में शामिल करने के लिए। कुछ देर में ही होलिका दहन होगा और देखिए लोगों में उत्साह है, लोग डांस करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, तो फिलहाल अवध में शानदार तरीके से होली का आगाज होने जा रहा है। चलिए, तो इस बार की होली उत्तर प्रदेश में खास है क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री भी सक्रियता दिखा रहे हैं, लेकिन श्रुति हम राशियों की बात कर रहे थे, अगर राशिवार में आपसे समझना चाहूँ किस तरीके का असर हो सकता है मेष पर, वृषभ पर या बाकी राशियों पर? अगर मैं मेष राशि वालों की बात करूं तो ये जो समय चल रहा है विशेष तौर पे होलिका का जो ये समय है, इस समय पे इनका अभाग्य की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कम साथ देगा और कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ इनका रुझान बहुत बढ़ेगा, सुख फैक्टर बनेगा, सपोर्ट सिस्टम बनेगा, लेकिन आध्यात्मिक रुझान थोड़ा सा बढ़ सकता है। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं इस समय, वृषभ राशि वालों तो अफवाहों से बच के चलिएगा, वहां परेशानी हो सकती है और वर्क प्लेस पे भी आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। और अगर मिथुन और कर्क राशि की हम बात करते हैं, मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं इस समय, मिथुन राशि वालों अपनी पार्टनरशिप्स का विशेष तौर पे ध्यान दें, पार्टनरशिप से आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं और कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ दे रहा है, प्रबल चल रहा है, नेम फेम सक्सेस का टाइम है। कर्क राशि वालों की बात करूं तो मानसिक तनाव घेर के रखेगा, मानसिक तनाव से थोड़ा बच के चलना है, हालांकि स्वयं में लाभकारी। सिंह और कन्या बहुत संक्षिप्त, सिंह राशि की अगर मैं बात करूं इस समय पे, तो सिंह राशि वालों आपका पूरा ध्यान पार्टनर की तरफ रहेगा, पार्टनरशिप्स की तरफ रहेगा, आपकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत लाभ रहेगा और मन में चंचलता बढ़ी रहेगी। और अगर मैं बात करूं कन्या राशि वालों की, इस समय फॉरेन ट्रैवल्स की बहुत चांसेस हैं और विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित जितने भी आपके गेन्स हैं, फॉरेन गेन्स आपके बढ़ेंगे, लेकिन अपनी मेहनत को वेस्ट करता हुआ आप पाएंगे। बिल्कुल, जो बाकी राशियां हैं वो भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन पंडित सुरेंद्र शर्मा, हम पढ़ रहे थे इसमें काले तिल की भूमिका है, उड़द की दाल की भूमिका है, जब हम विधि की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं, होलिका दहन की बात करते हैं, तो तिल और उड़द की दाल का क्या महत्व? देखिए, काले तिल का शनि से भी ताल्लुक है, ग्रहों से ताल्लुक है, उड़द की दाल का भी ग्रहों से ताल्लुक है, तो ये वहाँ पर जैसे वहाँ पर उनको देने के लिए कोई दान पुण्य करने से जो अपने अपना भविष्य जो है अच्छा होता है, उज्जवल होता है,
तो काले तिल का तो शनि से ताल्लुक है जी, और उड़द की दाल का कुछ राशियों से ताल्लुक है, उनके ग्रहों से ताल्लुक है, तो वो भी दान कर देना चाहिए और वहाँ रख देना चाहिए, तो इस प्रकार की परंपरा। चलिए, राशि में क्या इसका असर होता है राशियों पर दान करने का, ये हम आपसे भी समझेंगे, लेकिन एक बार फिर रुक करते हैं पटना का। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा वहाँ पर मौजूद हैं। रजनीश, बिहार की होली पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन होलिका दहन को लेकर किस तरीके का उत्साह? बिल्कुल अनुराग, देखिए बिहार की होली तो ऐसे भी बहुत मशहूर है और खास करके सियासी गलियारों की होली बहुत मशहूर है, मगर आपको होलिका दहन की हम तस्वीर दिखाते हैं। तैयारियां यहां पूरी हो चुकी हैं, पूजा चल रहा है और थोड़ी देर में यहां पर होलिका दहन किया जाएगा। आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये पूरी व्यवस्था की गई है, गोद में प्रहलाद है, होलिका है, ऊपर एक धागे से पूरा एक क्रेन सिस्टम बनाया गया है। जैसे ही होलिका में आग लगेगी वैसे ही ये जो प्रहलाद है वो ऊपर चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर होलिका दहन होगा। तो ये तस्वीर जो अपने आप में बहुत खास है और थोड़ी देर में यहाँ करीब करीब पूजा हो चुकी है और लोगों के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह है और थोड़ी देर में यहाँ पर अगले 2 से 3 मिनट में होलिका दहन का कार्यक्रम होगा। अनुराग, चलिए, तो यहाँ पर जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि 7:40 का सही समय है होलिका दहन का, लेकिन जिस तरीके से पटना में रजनीश सिन्हा बता रहे हैं कि अगले कुछ मिनटों में हो सकता है कि होलिका दहन का जो पूरा प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाए, लेकिन चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, वहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं होलिका दहन की पूजा को लेकर, होलिका दहन की पूरी प्रक्रिया को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से होलिका दहन है और वो अभी थोड़ी देर बाद जो है शुरू हो जाएगा, रंगों का त्यौहार जो होली को कहा जाता है, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं, अंतिम रूप उनको दिया जा रहा है और करीब दोपहर 2 बजे से जो है तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे, आप देख सकते हैं कि पंडित यहाँ पर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा हिमाचल की, तो यहाँ पर बसंत के तौर पर जो है नया मौसम आता है उसके तौर पर जो है होली को यहाँ पर मनाया जाता है, और खासकर फसलों के लिए, जैसे पंजाब हरियाणा की हम बात करें तो फसलों जो नई फसल आ रही है उसके रूप में भी इसको मनाया जाता है। सिद्धि और सुख कामना के लिए जो है होली का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है, तो अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है और थोड़ी देर बाद जो है होलिका का दहन जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जी, तो चंडीगढ़ में भी इंतजार किया जा रहा है और शुभ मुहूर्त का, जिसके बाद होलिका दहन का जो पूरी प्रक्रिया है वो होगी, होली में आग लगाई जाएगी और उसके बाद बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर होली का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन राशिवार क्या कुछ असर होता है होलिका दहन का, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। श्रुति द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुति, हमने कन्या राशि तक की बात की थी, उससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला की। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो लग्न में बैठा जुपिटर आपको धार्मिक चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट दिलाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटी ये होली के समय आपकी बहुत ज़्यादा निखर के आएगी, लेकिन वर्क प्लेस पर थोड़े से वाद विवाद हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके बाद वृश्चिक राशि वालों की, तो वृश्चिक राशि वालों जितना धन आ रहा है वो रास्ता लेकर आ रहा है कि कैसे जाए, तो वहाँ थोड़ा सा एक संतुलन बनाना पड़ेगा। मदर की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, लेकिन पिता का द्वारा पूरा सुख मिलेगा आपके। और अगर धनु की बात करें, धनु की अगर मैं बात करूँ धनु राशि वालों की, इस समय लगन में बैठा हुआ शनि आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा, क्योंकि धार्मिक रुझान तो ला ही रहा है, साथ ही साथ आपको मेहनत बहुत करा रहा होगा, आपको इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में आध्यात्मिक विषयों में दिला रहा होगा। मकर, कुंभ और मीन, मगर राशि वालों की बात करूं तो जितना एफर्ट कर रहे हैं वो सारे वेस्टेड फील कर रहे होंगे, लेकिन जितने भी छुपे हुए शत्रु हैं वो सारे खत्म होंगे, कोई पुराना रोग हो उसे इग्नोर ना करें। कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो स्वयं में लाभकारी हैं, तो आप खुद का लाभ खुद ही डिसाइड करेंगे, यानी कि आप जो भी काम करेंगे वो आपके लिए लाभदायक होगा, बशर्ते आप काम करें। मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो ये समय इनके लिए बेहतरीन रहेगा कई मामलों में, लेकिन वर्क प्लेस पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, छोटे छोटे काम को दोबारा करना पड़ सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा बैलेंस बना के रहें, मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलिए, तो ये ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी का मानना है कि इस होलिका दहन का, इस होली के त्यौहार का अलग अलग राशियों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। तो सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां होलिका दहन की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना और लखनऊ, जहां पर होली में आग लगा दी गई है। ये होलिका दहन की आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की राजधानी से, पटना और लखनऊ से। लेकिन इन सब के बीच श्रुति द्विवेदी, बहुत संक्षेप में, अगर अपने अपने राशियों में कुछ सुधार करना है, बेहतरी करनी है, तो किस तरीके के उपाय? ओम नृसिंहाय नमः मंत्र बोलते हुए आप होलिका पे अर्घ्य दें और कल सुबह होली की राख लाके एक चांदी की डिब्बी में अपने घर में रख लें, फिर देखिए आपके घर की नेगेटिविटी कितनी दूर होती है। पंडित सुरेंद्र शर्मा, ये क्या सिर्फ अच्छाई की जीत है बुराई पर प्रतीक भर है या इससे कहीं ज़्यादा? देखिए, ये होली
होली अपने आप में एक परंपरा, एक जीवन शैली, एक भक्ति मार्ग है। एक आताताई जो तरह तरह के अत्याचार अपने पुत्र पर कर रहा था और उसको दुनिया भर के वरदान मिले हुए थे और जिसको मारना नामुमकिन था, भगवान ने नरसिंह के अवतार में जन्म लेकर के अपने भक्त को जीत दिलाई और होलिका की गोद में जो उसकी बुआ थी वो जल उसको जलाने के लिए बैठी थी, भगवान ने अपना वो वरदान भी ड्रॉ कर लेकिन जो शुभ समय है वो 7:40 बताया जा रहा था वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले होलिका दहन की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी रजनीश सिन्हा का, पटना में मौजूद है। पटना में होलिका दहन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रजनीश, किस तरीके से लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं होलिका दहन के? देखिए, आज होली का त्यौहार शुरू हो गया, होलिका दहन के साथ ही लोगों में खासा उत्साह है। आप देख सकते हैं पटना में जो तय वक्त था वो 7:15 के आसपास का वक्त था और 7:15 में पूजा के बाद यहाँ पर होलिका दहन, शाम से ही महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही थी, लगातार यहाँ पर बंधन बांधे जा रहे थे, लोग प्रसाद चढ़ा रहे थे, कहते हैं अनाज चढ़ाया जाता है यहाँ पर, तो लोग अनाज के साथ पहुँच रहे थे, पके हुए भोजन के साथ पहुँच रहे थे और पटना में होलिका दहन हो चुका है। 7:15 का वक्त था और पटना में आप होलिका दहन की तस्वीर देख रहे हैं। होलिका दहन हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भी होलिका दहन हो चुका है। इन तस्वीरों को हम लगातार आपको दिखा रहे थे। इस खास पेशकश में बस इतना है। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।